टुडे आई विल टॉक अबाउट लॉगरिथम क्लास 9। 11 नंबर का सवाल देखेंगे आज, लॉग 3, लॉग 2, लॉग रूट 381 का मान निर्णय करें। ठीक है, इसको आज हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, इस सवाल में जो दिया गया है इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है पहले उसका प्रक्रिया करेंगे और लॉग को हम धीरे धीरे करके समाप्त करेंगे। ठीक है, और इसका एक निश्चित मान जो होगा वो निर्णय करेंगे। ठीक है, तो जो दिया गया है उसके हिसाब से क्या है, लॉग 3 ब्रैकेट में दिया है लॉग 2, फिर दिया है ब्रैकेट में लॉग रूट 3 और इसके ऊपर पावर दिया है 81। ठीक है, यही दिया हुआ है। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले जो लास्ट वाला लॉग है उसका काम करेंगे, लॉग 3 लॉग 2 और यहां पे देखिए आप क्या करेंगे, इसको लॉग रूट 3 है, ठीक है, लिख दिए, लेकिन 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 to the power 4 लिख सकते हैं। आप इसको लिख दीजिए 3 to the power 4, इसको लिख दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लॉग 3 लॉग 2 और यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप कि लॉग रूट 3, लेकिन ये जो 3 है इसको अगर हम रूट 3 का होल स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो होल स्क्वायर जब इसको लिखेंगे तो ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो होल 3 लिखे हैं, ठीक है, मतलब रूट 3 के ऊपर अगर होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब 3 होता है, तो ये जो पावर है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लॉग 3 लॉग 2, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लॉग 3 और लॉग 3 है, लॉग 3 और लॉग 3 कहने का मतलब a टू द पावर a लॉग a टू द पावर a बराबर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 into 4 यानी 8 आ जाएगा ये, तो इसको हम ये साइड कर सकते हैं लॉग का जो नियम है उसके हिसाब से, और रूट लॉग जो रूट 3 है इसके ऊपर पावर रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ चला आया, ये उछल करके यहाँ पे चला आया लॉग का जो नियम है उसके हिसाब से। अब देखिए क्या मिलता है, लॉग 3 और यहाँ पे लॉग 2, ठीक है, और ये जो 8 है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, और यहाँ पे बच जाएगा लॉग रूट 3 लॉग रूट 3 और रूट 3 का मान जो है 1 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम एक ही बार यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लॉग रूट 3 पर पावर रूट 3 मतलब 1, ठीक है, तो 1 को तो लिखते हैं नहीं इसलिए इसको छोड़ ही देते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा नियम से हुआ है, लॉग a टू द पावर a बराबर 1 होता है। ठीक है, इसी नियम के तहत ये क्या हो जाएगा, अब देखिए लॉग 3 और यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 और ये देखिए 8 को हम लिख सकते हैं लॉग 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखिए अब आगे जब बढ़ते हैं तो इसके हिसाब से क्या होता है, लॉग 3 और यहाँ पे देखिए ये जो 3 है फिर कूद करके इधर भाग जाएगा, तो चलिए इसको हम 3 को यहाँ पे कुदा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा लॉग 2 टू द पावर 2, है ना, और 2 टू द पावर 2 को हम 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखिए लॉग 3 टू द पावर 3 हुआ और ये जो है ये 1 के बराबर हो गया, इसलिए इसको हम लोग छोड़ ही देंगे क्योंकि लॉग 2 टू द पावर 2 बराबर 1,
चाहे लॉग ए टू द पावर ए हो तब भी वन, या लॉग टू टू द पावर टू हो तब भी वन। अब यहाँ पे देखिए लॉग थ्री टू द पावर थ्री है तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, वन। यहाँ भी कौन नियम काम किया, तो लॉग थ्री टू द पावर थ्री बराबर वन। तो इस हिसाब से इसका आंसर कितना आता है, वन। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, बराबर वन इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से धीरे 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 करके लॉग के सवाल को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 12 में क्या आया है, सवाल नंबर 12 में क्या आया, देखिए सवाल नंबर 12 में क्या दिया है, लॉग टू टू द पावर 10 माइनस लॉग फाइव टू द पावर 125 इंटू लॉग 85 इज इक्वल टू वन, प्रमाणित करें। ये हमें प्रमाणित करना है। ठीक है, तो एल एच एस से चलते हैं, एल एच एस से। ठीक है, क्या है, लॉग टू टू द पावर 10 माइनस लॉग फाइव टू द पावर 125 मल्टीप्लाई लॉग 8 टू द पावर 5। ठीक है, अब इसमें देखिए कि इसको हम किस नियम से हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए लॉग टू टू द पावर 10 है तो इसको हम 5 इंटू 2 कर सकते हैं या 2 इंटू 5 भी कर सकते हैं, माइनस लॉग 5 टू द पावर 125 है तो इसको हम 5 के ऊपर पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 टू द पावर 5 दिया हुआ है ना, तो इसको अगर हम उलट के लिखें तो 1 बाय लॉग 5 टू द पावर 8 कर सकते हैं। अच्छा, ये कौन सा रूल के हिसाब से हुआ कि देखिए ध्यान से कि लॉग 8 टू द पावर b को हम लिख सकते हैं लॉग 1 बाय लॉग, इसको उलट देंगे मतलब बेस पावर को बेस बना देंगे और बेस को पावर बना देंगे, ये नियम है। ठीक है, तो इस नियम के तहत हम क्या किए, यहाँ पे इसको चेंज कर दिए। ठीक है, ये चीज़ आपको करना है सबसे पहले। अब क्या होगा, अब इसको आराम से निकाल सकते हैं लॉग टू। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 इंटू 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 2 टू द पावर 5 अब प्लस लॉग 2 टू द पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस लॉग 5 टू द पावर, यहाँ पे देखिए 5 टू द पावर 3 है तो 3 को इधर अगर हम कर लेते हैं, चूँकि 3 उछल के यहाँ पे चला आता है तो लॉग 5 टू द पावर 5 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय लॉग 5, और ये देखिए 8 है तो इसको हम 2 टू द पावर 3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसका मान तो 1 आता है, आपको पहले से ही पता है, लॉग 2 टू द पावर 5 अब प्लस इसका मान 1 आ जाता है, इसको 1 यहाँ पे लिख दीजिए, अब माइनस 3, और इसका भी मान 1 आ गया इसलिए यहाँ पे -3 कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दिया है 1 डिवाइडेड बाय, अब ये जो 3 है ये कूद करके यहाँ पे चलाएगा, जो नियम है लॉग का उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा मान आ जाता है। अब यहाँ देखिए बचा लॉग 2 टू द पावर 5 और यहाँ बचा है लॉग 5 टू द पावर 2। ठीक है, अब इसमें से हमको लाना है मान। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इसलिए 3 और 3 को हम यहाँ काट भी सकते हैं। जब काट दिए हैं तो अब देखिए यहाँ पे बचा क्या है, लॉग 2 टू द पावर 5 प्लस 1, और यहाँ पे जो है चूंकि ये माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा। ठीक है, और यहाँ अच्छा, इसको अगर हम फिर रिप्लेस करते हैं तो
तो ये हो जाता है लॉग 2 to the power 5, है ना। किसके हिसाब से? तो एक रूल है कि 1 by log a to the power b, अगर ऐसा है तो बराबर हो जाएगा लॉग, उलट जाएगा, इसका बेस बन जाएगा पावर, अब पावर बन जाएगा बेस। तो इसके हिसाब से देखिए 1 by log 5, 5 और 2 है, तो इसको हम उलट के हम इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको log 2 to 5 मिल रहा है, यहाँ भी log 2 5 मिल रहा है, एक प्लस में मिल रहा है, एक माइनस में मिल रहा है, तो क्या हम इसको काट नहीं सकते हैं? काटने के बाद आपका 1 आया, जो कि RHS में यही प्रूव करना था ना, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS, और ये हो गया प्रूव्ड। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और एक सवाल क्या है। अब देखिए सवाल आया है 13 नंबर का, ठीक है। इस सवाल को बहुत ध्यान से आप देखेंगे तभी समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस सवाल को देखिए हम किस तरह से बना सकते हैं। 13 नंबर का सवाल जो दिया है वो क्या है, 7 log 10/9 -2 log 25/24 +3 log 81/80, यही तो है। अब इसका सरलतम मान हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इस 7 जो है इसको आप ब्रैकेट में ले लीजिए, ब्रैकेट के बाहर ले लीजिए, और इसमें देखिए log 10। अब यहाँ चूंकि डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे, इसको -log 9, ठीक है। अच्छा log 9 है तो इसको हम 3 का पावर 2 कर सकते हैं, ठीक। इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, -2, फिर एक ब्रैकेट ले लीजिए log। अब देखिए यहाँ पे 25 है, इसको हम एक ही बार 5 का स्क्वायर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस बैठाइए, क्योंकि यहाँ पे बटे में है इसलिए माइनस log के हिसाब से। अब यहाँ पे आएगा log, अब 24 है तो 24 को 8 गुना हम 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 24 को 8 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक। फिर प्लस आइए, 3, फिर कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ बताइए log, अब 81 है तो उसको 3 to the power 4 लिख दीजिए, है कि नहीं। अब फिर और माइनस लिखेंगे आप, अब फिर log, अब देखिए 80 है तो इसको log 16 गुना 5 लिख सकते हैं, 16 85, ठीक। इस तरह से पहले आप इसको तोड़ लीजिए। फिर अगला स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, इसको खूब ध्यान से देखिए आप तभी समझ पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, हड़बड़ी कुछ भी नहीं है, आराम से आप देखते जाइए इसको। 7 देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है log 10, तो इसको हम लिख सकते हैं log 5, ठीक है। अब प्लस, यहाँ पे देखिए log 10 है तो हम इसको 5 into 2 लिख सकते हैं, तो 5 into 2 के लिए हम एक ही बार हम क्या कर सकते हैं, log 5 और log 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिर माइनस, अब यहाँ पे देखिए log 3 और यहाँ power 2 है, तो 2 उछल के कहाँ पे चलाएगा, सामने चलाएगा, तो 2 log 3 केवल लिख देंगे, काम हो गया हमारा, ठीक। फिर -2 लिखते जाइए। अब यहाँ फिर उछला दीजिए इसको, तो ये कूद करके इधर आ जाएगा और log 5 यहाँ पे आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद यहाँ फिर देखिए यहाँ पे log, अब यहाँ पे 8 है तो 8 को 2 to the power 3 लिख सकते हैं, और चूंकि माइनस में है यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए अगर ये दोनों को हम log 8 प्लस log 3 लिखते तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो दोनों माइनस हो जाता कि नहीं हो जाता, तो इसलिए हम एक ही बार माइनस क्या करते हैं, log 3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब रहा ये वाला प्लस 3,
खूब ध्यान से देखिए, बहुत धीरे धीरे हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, फोर यहाँ कूद करके फोर इधर आ जाएगा और लॉग थ्री जैसे जैसे वैसे लिख देंगे। फिर माइनस, अब एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे लॉग 16 है तो लॉग 16 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, लिख देंगे। अब फिर यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है कि नहीं? जब यहाँ पे माइनस है, ये वाला, ये देखिए, ये अगर माइनस है तो ये भी माइनस में आ जाएगा, तो 2 टू द पावर 4, ये तो 16 वाला के लिखे हैं। अब फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा कितना, तो log 5। ठीक, अब क्या करना है वो देखिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हुए आप इसको लेते जाइए, ठीक है? या एक स्टेप और कर लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, फिर हम करेंगे आराम से, ठीक है? तो 7 log 5 जैसे वैसे लिखते जा रहे हैं, प्लस log 2 माइनस 2 log 3 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई 2, या अभी रहने दीजिए, 2 2 log 5 माइनस, अब यहाँ से देखिए, यहाँ इसको कूदाइए तो ये कूद जाएगा, तो कूदने के बाद आएगा 3 log 2, ठीक, इसमें कूदने का कोई चांस नहीं है, log 3 जैसे है वैसे ही रह जाए। बंद करते हैं इसको, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हम बढ़ते हैं +3, और यहाँ पे देखिए एक कूदना बाकी है, इसको भी कूदा दीजिए, 4 log 3 माइनस, इसको अगर हम इधर लाएंगे सामने तो 4 log कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, और फिर -log 5, बस इतना है तो है। अब हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो अब फ्रेश आप देखिए गौर से, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, अब जो है सो यही है, इसी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? आराम से तोड़िए, गड़बड़ नहीं है, आप अच्छा से करते जाए। देखिए 7 log 5 लिख देते हैं यहाँ पे, अब ब्रैकेट को खोल दे रहे हैं, 7 log 5, ठीक, प्लस 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 है, फिर 7 log 2 भी हो जाएगा, 7 log 2, फिर माइनस, अब देखिए 7 गुना 2 14 log 3 लिख दिए, ये ब्रैकेट खुल गया पूरा। अब इसको खोलिए, -2 गुना 2 4 log 5, फिर यहाँ देखिए माइनस, और यहाँ भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 गुना 3 6 log 2, फिर माइनस आ गया, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस कर दिए हैं, और 2 से गुना कर दीजिए, log यानी 2 log 3 हो जाएगा, हो जाएगा 2 into log 3, तो 2 log 3, फिर प्लस 4 गुना 3 12 log 3, प्लस माइनस माइनस, फिर 12 log 2, और एक और रह गया, देखिए प्लस माइनस माइनस 3 log 5। अब देखिए, अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अब आप क्या करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो देखिए कि जो सामने है 7 log 5, अब log 5 हर जगह खोजिए कहाँ कहाँ पे है आपका, देखिए यहाँ पे log 5 यहाँ पे है, log 5 यहाँ पे है, log 5 यहाँ पे है,
बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे है 7 log 5, और यहाँ देखिए 4 log 5 और 3 log 5। तो 4 log 5 और 3 log 5 ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है, तो 4 और 3 7 होता है, तो -7 log 5 हुआ, और यहाँ पे देखिए +7 log 5। तो झट से क्या करेंगे आप, ये दोनों को मिला करके इससे काट देंगे। क्लियर। अब आप चले आइए log 3, खोजिए ढूंढिए कहाँ कहाँ log 3 है। देखिए log 3 यहाँ है, log 3 यहाँ है, और log 3 यहाँ है, तो 12 log 3 और 2 log 3 बराबर 14 log 3, और यहाँ पे देखिए माइनस में 14 log 3, तो अब ये दोनों मिल करके किससे कट जाएगा, 14 log 3 से कट जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखिए log 2 कौन कौन है, log 2 यहाँ पे देखिए 7 log 2 और 6 log 2, ठीक है, और यहाँ पे माइनस में है 12 log 2, तो 6 और 7, तो 6 log 2 और 7 log 2 अगर बचता है तो कितना होता है, 7 log 2 अब +6 log 2, जो कट गया कट गया, अब जो बच गया उसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आपका आंसर आने ही वाला है। 7 और 6 कितना होता है, 13 log 2 -12 log 2। अब 13 में 12 को घटा देंगे तो कितना आएगा, log 2 ही आएगा, क्योंकि 13 में 12 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 log 2 मतलब log 2, तो log 2 जो आया है यही आपका क्या आया, आंसर आया। आप समझ गए, इस तरह से करने से आपको कोई असुविधा नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हैं, धीरे धीरे लेकिन करना है आपको ध्यान से। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट करें, और अगर अच्छा लगा हो तो अन्य लोगों को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।